जो हम लोग ग्रीन पार्क रेसिडेंसी में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक हार्ट ऑफ टाउन के जिसे पार्क का मतलब लोग रहते हैं। यहाँ सब अच्छे अच्छे सोसाइटी के लोग रहते हैं और हर कोई समाज सेवा में लगे रहते हैं। इसके पहले भी इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, कोई भी कार्यक्रम हो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आइए आपको दिखा देते हैं, यहाँ ब्लड डोनेशन हो रहा है। एक सराहनीय काम बोला जाता है, क्योंकि एक तो कोरोना का टाइम और लोग घरों से निकलने के तैयार नहीं, और जिस तरह लॉकडाउन लग चुका है फिर भी लोग नहीं थे, फिर भी हिम्मत करते हुए आज उन्होंने एक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया। आइए देखते हैं किस तरह ब्लड डोनेशन हो रहा है, इसके बारे में आपको न्यूज दिखाते हैं। आइए ना भैया बोले। हाँ सर, आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम रुपेश कुमार पानीग्रह है। जी सर, रुपेश कुमार पानीग्रह हो। आज जो ब्लड डोनेशन होता है इसके बारे में बताएंगे। ये आज के ना एक ये COVID-19 पेंडेमिक को देखते हुए हम लोग मरवाड़ी युवा मंचा और शक्ति क्लब के साथ मिल के ऑर्गेनाइज किए ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि एक तारीख से 18 ईयर्स का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो लोग उस दिन तक गवर्नमेंट का नॉर्म्स हिसाब से दे नहीं पाएंगे, तो ब्लड का स्कैर्सिटी आना चालू हो जाएगा, जो गवर्नमेंट पेपर में भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। तो उसी को देखते हुए और आज के पेंडेमिक के टाइम में ब्लड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि हर रोज़ ऑक्सीजन और ब्लड दो चीज़ जरूरत है। तो एक तो हम लोग देखें कि ब्लड डोनेशन होना चाहिए हम लोग ऑर्गेनाइज। तो सर कितना टारगेट आपने किया है? हम लोग एक्चुअली 25-30 यूनिट का टारगेट करके कर रहे हैं। जी सर, 25-30 सर। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमने देखा, इन्होंने कहा कि कोरोना का टाइम है, कोरोना में लोग ब्लड भी बहुत कम देते हैं और कोरोना में ब्लड भी बहुत ज़्यादा दरकार पड़ता है, क्योंकि पेशेंट बिना ब्लड के मर जाता है, बिना ऑक्सीजन के भी। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया और हम भी हमारे आपके आवाज़ की तरफ से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इन्होंने बड़ा एक सारा निगम, कम से कम 30-35 लोगों को तो जान बचा सकेंगे, किसी को तो काम आ सकेगा। आपकी आवाज़, संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट। भैया आपका नाम बताएंगे? मानस कुमार साहब। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हाटपड़ा। आज जो सर ब्लड डोनेशन है इसके बारे में, आपका कौन सा ग्रुप है? बी पॉजिटिव। अच्छा, तो आज जो ब्लड दे रहे हैं इसके बारे में, कितना नंबर आपका? पहली बार। वेरी गुड, आप कोरोना का टाइम आप पहली बार दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देंगे कि आपने इतना अच्छा काम किया सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक लग रहा है। चलिए ठीक है सर। हाँ सर, आपका नाम बताएंगे? संजय कुमार लोहिया। हाँ सर लोहिया, हो जो ब्लड डोनेशन हो रहा है, तो सबसे पहले बताएंगे आपका कौन सा ग्रुप है? बी पॉजिटिव है। इसके पहले भी कितने बार दे चुके हैं? इसके पहले मैं 2 बार और दे चुका हूँ। ये आपका रियर ग्रुप बोला जाता है। बी पॉजिटिव बहुत कम लोगों को होता है, ओ पॉजिटिव तो हर जगह मिल जाता है। तो जो आज जो कोरोना का टाइम है और एक गर्मी जी, इसके बारे में बताएंगे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि इस काल में मैं अगर किसी की मदद आ सक रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर, आपका नाम बताएंगे? भैया रितेश पटेल। हाँ पटेल जी, आप कहाँ रहते हैं? दलेपाड़ा से यहाँ ब्लड देने आया था। आज लॉकडाउन सारे तरफ है, सारा उड़ीसा में लॉकडाउन, क्या पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है सर जो पोजीशन है, कहीं तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो कहीं ब्लड नहीं मिल रहा। तो आज जो ब्लड दे रहे हैं, आपका कौन सा ग्रुप है? ओ पॉजिटिव यार ग्रुप बोला जाता है इसको। तो सर कितना नंबर है आपका? बहुत बार दे चुका हूँ। हाँ जी, क्योंकि आप जो माहौल में रहते हैं वहाँ हमेशा ब्लड डोनेशन और समाज सेवा भी करते हैं, लगता है बहुत समाज सेवा भी करते हैं सर। जी रेगुलरली मैं देता हूँ, 4-5 महीने में करते हैं। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। अभी हमने देखा कई लोगों ने जो ब्लड दे रहे हैं उन्होंने कई प्रकार की बातें बताई। आइए मिलेंगे आगे जो सेक्रेटरी है उनसे मिलेंगे। हाँ सर, हाँ आप सेक्रेटरी है ना? अच्छा, क्यों सेक्रेटरी को ना? चलिए, अभी ब्लड डोनेशन में हम देख सकते हैं यहाँ पर कई प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, हर कोई यहाँ मौजूद है। सेक्रेटरी आओ थोड़ा बोलो 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 बोलो। हाँ भैया, हाँ बोलो बोलो। अरे बोल ना,
हाँ सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आयुष अग्रवाल। हाँ सर, ये जो कलेक्शन करें आप सर्टिफिकेट बनाए, टोटल कितना तो आप बन चुका है? हो चुका है 50 टारगेट, 16 यूनिट आ चुका है, 50 का टारगेट। 50 का टारगेट, तो जहाँ ब्लड दिया जा रहा है यहीं के लोग कि बाहर से भी आ रहे हैं? बाहर से भी आ रहे हैं। बाहर से भी, चलिए थैंक यू।